आंसर। ठीक है, अगेन स्टार्ट में भी मिस्टेक कर रहे हैं ना थोड़ी। ये देखें, वाइड स्प्रेड भी है। अब ये बारहा लेक्चर्स के अंदर ना ये बात बोली है, बारहा बार बार रिपीट करके ये बात बताई है कि लेवल मार्क होना चाहिए। अब ये वाइड स्प्रेड डाउन बार तो आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये भी तो देखो कि वो कौन सा लेवल था, वो किस जगह को ब्रेक करके आई है, वो जगह मार्क करो, वहां पे कोई लेवल लगाओ, ताकि आप आपकी बिल्कुल सर, वो अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली इससे ये होगा कि आप चार्ट जब देखोगे ना, आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि मुझे ट्रेड किस लेवल से लेनी है, वो लेवल और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। एक्चुअली सर वो लेवल मैंने डे में वो लगाई थी ना, जो ऊपर वाली दो दो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, तो ये ट्रेड चूंकि H1 में है तो वो उसके बीच में आई है, इसलिए फिर वहां पे कोई लेवल, जहां पे मैंने लेवल लगाए वो तो फिर फिर बॉक्स आप से इसका लगाई है मतलब मैंने। है नहीं, फिर इसका ये मतलब है कि आपको वेट करना चाहिए कि डेली लेवल तक मार्केट रीच करे तो फिर मैं ट्रेड करूंगा, फिर दरमियान से आप ट्रेड कर रहे हो, और ये गलत बिल्कुल वे सर, है, दरमियान से बिल्कुल ठीक है। फिर आप गलत कर रहे हो ना, मतलब अगर ये इस जगह पर एब्जॉर्प्शन है, अब ये लेवल आपने मार्क किया, तो या तो फिर वेट करें कि मार्केट इस जगह पर आए, और फिर देखो रेफरेंस के बगैर कुछ नहीं होता, रेफरेंस के बगैर सही सिर्फ सर, सिर्फ अंदाजे होते हैं। वो जो ये बात कही जाती है ना कि मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट गिरेगी, मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट उठेगी, ठीक है, तो जस्ट सही वो सर, अंदाजे होते हैं। तो जब तक आपकी, वो देखा है कभी जो बच्चों की ड्राइंग बुक आती होती थी ना जब हम छोटे थे, तो एक ड्राइंग बुक आती थी जिसके ऊपर ना इस तरह के डॉट्स लगे होते थे, इस तरह के डॉट्स लगे होते थे, और हमको ये कहा जाता था कि इन डॉट्स को मिलाओ तो ये शक्ल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। हम फिर क्या करते थे, ऐसे इन डॉट्स के साथ ना इस तरह से मिलाते थे, ठीक है, और फिर ये जो भी शक्ल है ये कंप्लीट हो जाती थी, जो भी ये परिंदा है, जानवर है, व्हाटएवर कुछ भी है। तो ये जो डॉट्स अगर लगे ही नहीं होंगे तो फिर हम शक्ल कैसे कंप्लीट, अच्छे तुक्का तो लगा देंगे, ठीक है, तुक्के से तो हम ये देख लेंगे कि ये शक्ल इस तरह की होगी, लेकिन गुड मैनर्स के अंदर ये शक्ल कंप्लीट नहीं होगी। ट्रेड आपकी अच्छी है, लॉजिक आपकी ठीक है, बट जस्ट थोड़ा सा जो आप लैग कर रहे हो, मैं वो आपको गाइड कर रहा हूँ कि इन चीजों पर थोड़ा सा ना और काम करें। क्या हुआ था ये ठीक है ट्रेड का, सर। क्या हुआ था? सर बिल्कुल टीपी लगी थी इसकी। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर आपने लेवल मार्क किया तो इस लेवल पे टीपी क्यों नहीं लिया? नहीं सर, एक्चुअली वो जितने भी सारी ट्रेड्स थी ना, वो एक ही टाइम पे जो न्यूज़ आने वाली थी वो 4 5 5 बजे, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, तो उससे पहले मैं कहीं जा भी रहा था, इसलिए पहले सारी वो टीपी एग्जैक्ट कर दी सारी ट्रेड्स। जबरदस्त, ठीक है, वो NFP की मेरे ख्याल में कोई न्यूज़ थी सर, कुछ इस तरह की। ठीक है, ठीक है, गुड है। अच्छा, बताएं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बताएं चार्ट में क्या हुआ है। सर यहाँ पे भी वही अब तक आया था वाइड स्प्रेड के बाद, तो ये जो सामने आपको जो बॉक्स नजर आ रहे हैं येलो, तो हाँ, यहाँ पे H4 में वो ऑर्डर फ्लो था, तो उसी को उसने ब्रेक किया है वाइड स्प्रेड से सर, तो उसी पे सही है, फिर हाँ उसी लेवल पे वापस आके अब तक आया है। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त ट्रेड है। अब देखो ना, ये रेफरेंस तो है ना कि जी ये एरिया था, इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है, ठीक है, और ये रिटेस्ट भी हुआ हुआ है यहाँ पे। खैर, ये लेवल था जो रिटेस्ट हुआ हुआ बिल्कुल सर, है, ये देखो, ठीक है, तो ठीक है, सही गई थी ट्रेड, ये भी टिपी हुई है प्रॉफिट में, ना बिल्कुल सर, लॉस। सर बिल्कुल सर बिल्कुल सर की प्रॉफिट में थी सर। सही है, वॉइस वेव भी इस्तेमाल किया करें इसके साथ साथ। ठीक है सर,
ठीक है, चैनल चल रहा है यहाँ पे। बाय लिया है आपने। बताएं थोड़ा, जस्टिफाई करें चार्ट को। हेलो, सही है वैसे। एक मिनट, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। सही है, लेवल है यहाँ पे, गैप बार भी है। ठीक है, गुड है। बिल्कुल सही ही है, डेली का टाइम फ्रेम। बहुत बड़ा एसएल ले रहे हैं। ठीक है एसएल, बट असल में देखिए ना, यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं, फिर उसके बाद ये लेवल मार्क किया हुआ है बहुत। जी हेलो, आवाज आ रही है? ओके, थोड़ी सी देर के लिए जस्ट एक इंटरनेट पता नहीं क्यों मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। तो जी मिराज, आप हो क्लास में? आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो ये ना ट्रेड बहुत नीचे से ली हुई है, बहुत नीचे से ली हुई है। इस चीज का ना थोड़ा सा ख्याल रखा करें। जी मैंने अनम्यूट किया है आपको। जी सर, ये बहुत नीचे से ली हुई है सेल जो है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, या बिल्कुल सर। हाँ जी, ये थोड़ा सा ना थोड़े से एरर्स हैं आपकी ट्रेड के अंदर। USDCHR, ये इतने बड़े स्प्रेड के ऊपर काम करते हैं आप, इतने बड़े स्प्रेड में ट्रेड ना ही लिया करें। मतलब मैं खुद, आपको अगर ये बेटर लग रहा है तो यू कैन यूज इट, लेकिन मैं खुद थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इन पेयर से। हाँ, ये ट्रेड आपकी बेटर थी, अच्छी ट्रेड थी। ये देखिए, इस जगह पर आने के बाद बेयरिश वॉल्यूम भी आ रहा है, वॉल्यूम में बियरिज हो रहा है। ठीक है, तो जब आप ट्रेड ले लेते हो ना, उसके बाद फिर आप इस चीज का भी ख्याल रखा करो कि वॉल्यूम बियरिज आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, गुड। अच्छा, आप इस जगह पे चार्ट पे मौजूद थे जब चार्ट यहाँ पे मौजूद था, उस वक्त थे आप? चार्ट ओपन किया हुआ था आपने? मुझे सुन पा रहे हैं?
जबरदस्त ट्रेड है, ये भी बहुत अच्छी ट्रेड है। सारे लेवल्स मार्केट क्रॉस कर चुकी है, बट ये बेटर ये होता है कि वो थोड़ा ऊपर से। आपके ट्रेड्स के अंदर मुझे सिर्फ दो इश्यूज नजर आ रहे हैं, एक तो आप थोड़ा लेट एंट्री ले रहे हो। हाँ चलें, ये भी H1 के अकॉर्डिंगली ठीक है, एग्जैक्टली exactly. और यहाँ से आपकी एंट्री बन रही थी, इस जगह से एंट्री बन रही थी। ये आपने वाइड स्प्रेड डाउन बार मार्क की भी है, दैट इज रिजेक्शन, पिछले प्राइस एक्शन के अंदर भी आपको नजर आ जाता। तो ये एंट्री आप इस गैप बार के रेफरेंस से भी उठा सकते थे। खैर अच्छी है फिर भी, ठीक है ये, क्योंकि बेरिश वॉल्यूम भी आ रहा है, मार्केट गई होगी नीचे। वॉल्यूम की अगर एक्टिविटी को देखा जाए तो वॉल्यूम एक्टिविटी बेरिश ही चल रही है। ठीक है, गुड हो गया ये थोड़ा सा ना। अगली क्लास के अंदर आपने क्या करना है कि अपने चार्ट्स के अंदर लेवल्स को लगा के आना है और ट्रेड कोशिश करें कि पिन पॉइंट ट्रेड उठाए। ऑप्शन है फिर, हाँ इस जगह पे ट्रेड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, नो डाउट, बिल्कुल ट्रेड बनती थी यहाँ पे। लो वॉल्यूम पुल बैक था ना, ये H1 है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में आप जाकर देखते हैं तो आपको यहाँ पर नो सप्लाई मिल जानी थी, नो सप्लाई टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता। चले जी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान क्लास में हैं आप? सेल दी है आपने, ट्रेड ली। जबरदस्त, जी मोहम्मद इरफान आप हैं क्लास में हैं? अच्छा मोहम्मद इरफान, अगर आप मुझे सुन रहे हो, क्लास में हो तो रिप्लाई करें, अदरवाइज अगर क्लास में नहीं हो तो फिर आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ट्रेड आपकी बहुत अच्छी थी ये, और इसका टीपी लगाने में थोड़ी सी ना आपने लैग किया है। देखें सबसे पहले तो ये देखें कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम में एब्जॉर्प्शन लगा हुआ है, ठीक है ये देखें, और ये उसका ये पुल बैक हो रहा था। तो आपने ट्रेड ठीक ली है अकॉर्डिंग टू डेली का ये अपथ्रस्ट लगा हुआ था, और इसके हाई के ऊपर यहाँ पर आपको अपना टीपी लेना था। अब पता नहीं कि क्या हुआ इस ट्रेड का, टीपी हुई नहीं हुई या क्या हुआ, बट प्राइस एक्शन को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए ये लेवल था आपका टीपी का, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, क्योंकि ये फ्री फ्लोट एरिया तो था, ये वाला बिल्कुल एक फ्री फ्लोट एरिया था, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई होगी लाजमी। ठीक है माशाल्लाह, ट्रेड लॉजिक आपकी बेहतर है और ट्रेड की एंट्री का लेवल भी कदरे बेहतर है,
सेल ली है GBPCHF। हाँ ये देखे ना, अब ये टीपी भी आपकी प्लेसमेंट भी कितने बेहतर है। ये ट्रेड आपकी लाजमी टीपी ही हुई होगी, चार्ट बता रही है। बिल्कुल बियरिश वॉल्यूम भी आ रहा है, सप्लाई भी लगी हुई है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त यार, वेरी गुड, अच्छे चार्ट है। ये ब्रेक इवन हुई है आपकी ट्रेड। गुड, चार्ट आपके बहुत अच्छे, अगली क्लास में भी डेमो ट्रेड करके और बेहतर है कि और थोड़ा काम करके दिखाएं। जी मोहम्मद बिलाल, आप क्लास में हैं? पहले कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है ना सबको, कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा मुझे। मोहम्मद बिलाल भी नहीं है क्लास में, चले इनके साइन बस चेक कर लेते हैं। उसके बाद मैं फिर आपके क्वेश्चन लेता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? जिन जिन दोस्तों को क्वेश्चंस हैं तो अभी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं ना, तो फिर वो क्वेश्चंस आपके ऊपर चले जाते हैं। सही है, शेकआउट ठीक है, सिंपल टेस्ट वाइड स्प्रेड डाउन बाद। हाँ जी ठीक है, चार्ट हिडन ऑफ ट्रस्ट सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स सही है। सही, देखो ये वाला गलत है, ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स ये गलत है, ठीक है। जब आपने इसको कैंपेन माना ना, तो फिर यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं आएगा, ये अब्सॉर्प्शन के बाद ये पुल बैक हो रहा है। अब पुल बैक के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आया है, इस वजह से ये पुल बैक यहाँ तक हुआ है, और ये बार का साइज और इसका क्लोज बता रहा है कि ये न्यूज आई थी, कोई यूरो GBPH1 का चार्ट है, ये किसी न्यूज की वजह से इतनी बड़ी स्प्रेड बार बनी है। नो डिमांड नहीं थी ये, लेकिन नो डिमांड नहीं थी ये, मार्केट ऑफ टाइमिंग थी, ठीक है। नो डिमांड आप इसमें देखते ना, इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको मिल जाती सेलिंग क्लाइमेक्स, बट प्रीवियस नॉट क्वालिफाइड, बट एवरी बार इज नॉट सेलिंग क्लाइमेक्स। एवरी मतलब जबरदस्ती नहीं करें, यहाँ पे बैकग्राउंड क्वालिफाई नहीं करा नंबर वन, और दूसरा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। नो डिमांड, हाँ ये है नो डिमांड, बिल्कुल स्विंग हाई के ऊपर है और सेशन ऑन टाइमिंग थी, वॉल्यूम पिंक है, यहाँ पे रोका गया था मार्केट को ऊपर जाने से, सप्लाई बढ़ाई जा रही थी, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। नहीं ये गलत है, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, अगली बार का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी। हाँ बिल्कुल ओके सही है ऑप्शन। हाँ जी शेका, ये वाला है शेकआउट, बहुत ज्यादा ना मिक्स हो गई है लाइनें, थोड़ा सा क्लियर रखा करें, बहुत वो ना
मिक्स हो रही है लाइनें आपस में, फिर भी ठीक है बाय क्लाइमेक्स, बट ट्रेंड कंडीशन नॉट क्वालिफाई, Not buying climax, गलत, not buying climax, widespread down bar hidden up thrust, सही है, bottom reversal, हाँ जी could be a reversal A, बिल्कुल ऐसा ही है. Up thrust. No demand, lower high. Sahi hai. No result from effort. Strikeout. Theek hai. साइंस आपके कदरे बेहतर है, छोटी छोटी सी कुछ है गलतियां, बट वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी इंशाल्लाह वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे. स्टॉपिंग वॉल्यूम इसका ना ज्यादा होता है, दूसरी बार का वॉल्यूम ज्यादा होता है, स्टॉपिंग नहीं है ये, इसका इनवर्स है. अगली बार के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, हिडन अप थ्रस्ट, नो डिमांड, एब्जॉर्प्शन. जी यू कैन से मोहम्मद मुजम्मिल, हिडन अप थ्रस्ट बिल्कुल है, बेसिक टेस्ट. बिल्कुल सही है, नो डिमांड. सिनेरियो बी, बहुत लो वॉल्यूम के साथ है, बहुत ही लो वॉल्यूम है सिनेरियो बी के अंदर, इतना कम वॉल्यूम भी नहीं आता. तो ये सिनेरियो, हम ये कोई सिनेरियो नहीं था यहाँ पे, जस्ट कोई लेवल मौजूद था जिसकी वजह से ये रिवर्सल आया. कैट सी एच एफ का चार्ट है ये, एब्सॉर्प्शन है. ठीक है, स्ट्रेक आउट. ठीक है, आउट. आउट है ये, मतलब हम ये देख सकते हैं कि शेक आउट कैसा लगता है, तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही लगता है शेक आउट, बट वॉल्यूम के अंदर बाइंग नहीं है ना, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग है, मतलब ये एसएल हंटिंग भी नहीं है. सही है, एसएल हंटिंग भी नहीं हुई, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई है. क्या सी एच एफ जेपीवाई H1 का चार्ट है. शेकआउट, हिडन अप थ्रस्ट, वाइडस्प्रेड डाउन बार, शेकआउट. अरे इतने, ये इतने छोटे वॉल्यूम के ऊपर, ये मार्केट का ओपन था, ये रात का टाइम था, मार्केट ओपन हुई है यहाँ पे, मंडे वाला दिन था ये. स्ट्रेक आउट देखो, कंडीशंस थोड़ा सा, चलो अभी स्टार्ट के अंदर अगर अभी की ये पहली या दूसरी क्लास है तो फिर तो ठीक है, स्ट्रेक आउट नजर कैसे आता है फिर तो सही है. बट ये होते हैं जो जिन पे वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड होता है ना, उसके पीछे कुछ लॉजिक होती है कि यहाँ पे क्या एसएल हंटिंग की गई है या वाकई में बाइंग की गई है. तो इस जगह पर ना जस्ट ये मार्केट का ओपन था और रात का टाइम था, तो जब ये शेकआउट यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, ठीक है आप कह सकते हो शेकआउट है, बट इसको डीपली देखोगे तो लॉजिकल आप इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो. बिल्कुल सही है, नो डिमांड. ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको से मिल जानी थी. सही है, चार्ट शेक आउट है.
absorption, no result from effort, no demand, no spread. Return of thrust. Sahi hai. No result from effort आपकी गलत जा रही है, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें. Second bar का volume आप कम देखते हो ना, इसमें ज्यादा होना चाहिए. Regular up thrust, shake out. No demand, ठीक है. Please एक second hold कीजिएगा. जी सॉरी, वो इम्पोर्टेंट कॉल थी जरा. अच्छा जी, ठीक है, सही है. अच्छा बिलाल, ठीक है. तो चार्ट आपके ना काफी हद तक बेहतर है, बट छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं. आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने बता दिया कि क्या क्या मिस्टेक्स की हैं आपने. जी मुजम्मिल, जी वालेकुम अस्सलाम. वाइड स्प्रेड डाउन बार बट डिक्रीजिंग वॉल्यूम. ठीक है, नो सप्लाई टेस्ट. हाँ बिल्कुल, ये नो डिमांड थी. ये देखिए ना वॉल्यूम, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बाइंग साइड पर, इसलिए मार्केट ऊपर चली गई है. ठीक है, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम को देखा करे जरा, ये हमें अंदाजा दे रहा होता है कि एक्चुअली क्या सेलिंग चल रही है, नहीं चल रही है, बाइंग चल रही है, नहीं चल रही है. ठीक है, और इसके पीछे अब ये देखे ट्रेंड भी आपका था ना, इस वजह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप लगाते तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेस्पेक्ट हुई भी है बहुत अच्छे से. तो ट्रेंड लाइन जो होती है ना, ये डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं. हॉरिजॉन्टल लेवल प्राइमरी उस पर आते हैं कि जी सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल्स को ही देखना है. बट जब ट्रेंडिंग होती है ना मार्केट, जब ट्रेंड में होती है, जब मार्केट ट्रेंड में होती है, तो उस वक्त ट्रेंड लाइंस भी बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट हो रही होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट होती हुई नजर आ रही है, इस वजह से ये फेल हुई है. हाँ, अब ये एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद सेलिंग में वॉल्यूम आना शुरू हो गया. ये देखिए वॉइस वेव भी इस्तेमाल किया करें थोड़ा, और वो आता नहीं है
आता नहीं है मतलब? मुझे यूज करना नहीं आता, यूज करना नहीं आता। चलिए उसके ऊपर भी नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर एक वीडियो बना देंगे, टेस्ट विद स्ट्रेक आउट और रेगुलर टेस्ट वीक ओनली मॉडल, टेस्ट विद स्ट्रेक आउट। सही है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे अब्सॉर्प्शन, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे रोका गया मार्केट को, ठीक है, उसके बाद बाइंग हुई है। ऑप्शन ये आप डेली में देखोगे ना चार्ट, यही चार्ट आप डेली में देख लो तो आपको ये सारी रेंज नजर आ रही है। एक्चुअली ये रेंजिंग के अंदर बस छोटी छोटी कुछ छोटे छोटे ट्रेंड आपको नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है चार्ट। तो आप डेली में देखोगे ना तो डेली में यहाँ पे कुड बी अ कैंपेन, ठीक है। बॉटम रिवर्सल सिनेरियो ए, नहीं 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 रेंज में तो नहीं आता ना, रेंज के अंदर तो नहीं आते रिवर्सल्स, रिवर्सल हमेशा ट्रेंड के बाद आता है, जिसके जिसमें हम बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, कॉन्टेक्चुअल रीडिंग करते हैं। नहीं नहीं नॉट स्टॉपिंग वॉल्यूम बैकग्राउंड नॉट, जब वो नहीं कर रहा क्वालिफाई तो दैट मींस कि फिर वो है ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल लिखा है आपने, तो फिर वो ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब वो क्वालिफाई नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके, फिर आप मेंशन ही नहीं करें उसको। इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, किस चीज का एब्जॉर्प्शन था ये, ये कौन सा आवे जी, अपने हाथ इनके बिल्कुल नहीं रुक रहे। जो भी कहना चाहते हैं वो आप टाइपिंग करके कह सकते हो, स्क्रीन के ऊपर शक्लें बनाने की आई थिंक कोई जरूरत खास नहीं है। अच्छा इंक्रीजिंग, किस इंक्रीजिंग तो है बट किस लेवल का, किस जगह का ये एब्जॉर्प्शन था, इस चीज को मार्क करें, ठीक है। इंक्रीजिंग इसमें भी मार्क करेंगे किस जगह पर, किस जगह का था ये वाइड स्प्रेड। नहीं आप कह रहे थे मुजम्मिल, अच्छा जी इंक्रीजिंग, नहीं नहीं ये गलत थोड़ा सा, चले अच्छा है डिस्कस करने के लिए, पॉइंट जो है वो और भी क्लियर हो जाते हैं। नो डिमांड इन अपर टाइम फ्रेम, यहाँ पर भी नो डिमांड नजर आ रही है, एम 15 के अंदर भी ये नो डिमांड है, ठीक है। अपर टाइम फ्रेम में भी हो सकता है, H1 के अंदर, एम 30 के अंदर भी ये थी, H1 के अंदर पॉसिबली हो सकती है। टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए, अब बाइंग क्लाइमिंग्स कह देते ना इसको तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। हाँ बिल्कुल सही है, ब्रेक आउट नो सप्लाई एब्जॉर्प्शन, टॉप रिवर्सल ए भी बन रहा है यहाँ पे, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग करने की वजह से ये हो रहा है ना। ये देखिए अगला वॉल्यूम बिल्कुल पिंक आ चुका है, इट मींस कि ये प्रॉफिट टेकिंग है, नॉट सेलिंग, मतलब सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और जस्ट चार कैंडल्स की यहाँ पे कुछ रेंज हुई है और यहाँ पर एक्चुअली सेलिंग स्टार्ट हुई है इस जगह पे, ये देखो वॉल्यूम देखो, एक्चुअली इस बार के ऊपर सेलिंग स्टार्ट हुई है और लेवल भी आपने मार्क किया हुआ है, इसी जगह पर आप एंटर भी हो सकते थे, यहाँ से एंट्री भी थी इसकी। हाँ जी बिल्कुल मुजम्मिल, ठीक है, सही है, नो सप्लाई, सही है, ठीक है, ट्रस्ट
Is this no result from effort? Nay. No result from effort nahi tha ye. Increasing absorption. ये देखो ना, increasing absorption. अच्छा ये है, इसकी बात कर रहे हो. हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सही. Is this no result? अच्छा ये हो गया, no supply. ठीक है, top reversal scenario B. हाँ बिल्कुल सही है. Scenario B आ गया. अच्छा widespread, बिल्कुल सही है. यहाँ पे देखो, ये पहले ही आपको अंदाजा दिला रहा था इस जगह पे कि selling, अब buyers जो है ना market में नहीं है. Buyers just इस जगह पर थे, इसके बाद buyers है नहीं है market में. इस जगह पर buyers ने बहुत जोर लगाया है market को ऊपर लेकर जाने का, लेकिन spread नहीं खुला. बिल्कुल स्प्रेड नहीं खुला, इट मींस कि बाइंग बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाली बाइंग नहीं थी. ठीक है, और थोड़े से वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाती रही है, और इन्हीं लेवल्स के साथ एग्जैक्टली देखो कैसे गिरी है मार्केट. ये कल की मार्केट है. हाँ बिल्कुल, कल जो गोल्ड का फॉल हुआ है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी थी. आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, मैं देख रहा था इस चार्ट को, मैं गोल्ड को देख रहा था परसों से, मतलब मैंने सैटरडे को भी देखा, मैंने संडे वाले दिन भी चार्ट देखा था, और उसके अंदर इंडिकेशंस बिल्कुल ऐसी थी, ये पहले से पहले नजर आ रही थी कि गोल्ड गिरने वाला है. गोल्ड ऊपर तो जा रहा है, लेकिन ऊपर जाते हुए गोल्ड के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी. चले जी, गुड मुजम्मिल. चार्ट अच्छे हैं आपके, थोड़ा सा काम करें. अच्छा ये है अवेस अहमद. अवेस आप हो क्लास में? मोहम्मद मुजम्मिल, मैं चाहूंगा एक क्लास और अटेंड करूं. जी एक क्लास और अटेंड करो. वालेकुम सलाम जी. अवेस आप हो क्लास में? ठीक है, सही है. नो डिमांड नो सप्लाई, ये अपथ्रस्ट था. एक्चुअली अपथ्रस्ट भी नहीं था, ये बाइंग क्लाइमेक्स आया था यहाँ पे, इस जगह पर ये बाइंग क्लाइमेक्स था. ठीक है, और अगली बार अप क्लोज तो है, बट इसका स्प्रेड देखें और सप्लाई देखें, तो ये जस्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई है. ये देखें पिंक वॉल्यूम ये बता रहा है. ठीक है, तो इसे नो डिमांड अपथ्रस्ट कह सकते हैं. तो ये लॉजिक ही ऐसे बनती है. एक्चुअली बैकग्राउंड भी क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ कैंपेन है, ये कैंपेन थी यहाँ पे. ये है, अच्छा गोल्ड का चार्ट है. हाँ ये वही चार्ट है जो अभी डिस्कस हो चुका है, बिल्कुल सही. टॉप रिवर्सल कैसे है ये बगैर बैकग्राउंड के मैं कैसे देख सकता हूँ कि ये टॉप रिवर्सल है या नहीं है? तो बैकग्राउंड के साथ प्रेजेंट करें. सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है, ये अल्ट्रा वॉल्यूम नहीं है, ये था एक्चुअली. अपथ्रस्ट है, नो डिमांड गलत है. हाँ ये सही है, नो डिमांड बॉटम रिवर्सल. हाँ जी बिल्कुल, ये बॉटम रिवर्सल बनता है क्योंकि बाइंग का वॉल्यूम भी आया है.
इसको बॉटम रिवर्सल कहना कदरे बेहतर है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पर एक्चुअली एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। ये रेंज थी पूरी की पूरी बड़े टाइम फ्रेम की ना, ये रेंज थी तो इसमें एसएल हंटिंग की गई है। तो खैर एच वन की बात करें तो बिल्कुल ये बनता है। नो सप्लाई टॉप रिवर्सल बिल्कुल, हाँ ये होते हैं, ये अच्छे बेहतरीन रिवर्सल्स है ना, इन्हें कहा जाता है कि ये रिवर्सल्स हैं क्योंकि वॉल्यूम भी इनके अंदर आया हुआ है। ये देखो सेलिंग का वॉल्यूम इंक्रीज्ड है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड भी क्वालिफाइंग है, दैट इज रिवर्सल्स। तो बिल्कुल ये सही है, बॉटम रिवर्सल देखो, ये रेंज के अंदर भी बॉटम रिवर्सल बोल दिया है, मतलब ये है कि अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के नहीं है बहुत। वॉल्यूम तो है बट रेंज के अंदर तो रिवर्सल नहीं होता ना कभी भी। ये देखो ना ये रेंज है ना, ये पीछे देखो बैकग्राउंड क्वालिफाई होना चाहिए। बॉटम रिवर्सल के लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए होता है, फॉलिंग बैकग्राउंड, ठीक है। बाइंग क्लाइमैक्स नहीं है, नो सप्लाई, ठीक है। टॉप रिवर्सल, हाँ टॉप रिवर्सल है, ये देखो बैकग्राउंड की वजह से ही कह रहा हूँ कि है और वॉल्यूम भी क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक चीज को तो नहीं देखेंगे ना, बाइंग क्लाइमैक्स अगेन नो। हाँ जी नो डिमांड ऑप्शंस, ठीक है। सनिंग क्लाइमैक्स नहीं है, ये यूरो यूएसडी H1 का चार्ट है। टाइम फ्रेम स्विच करके देखेंगे तो शायद कुछ मिल जाए, बट फिर भी ये हाँ छोटे टाइम फ्रेम में आपको जरूर मिलेगा। M30 M15 के अंदर आपको जरूर सेलिंग क्लाइमैक्स मिल जाता है, तो H1 के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, नो डिमांड एंड मार्केट टॉप, अच्छा स्ट्रॉन्ग, नो डिमांड नहीं होती ये असल में मार्केट को ऊपर उठाया गया। ये देखो बाइंग का कितना बड़ा वॉल्यूम आया, ये वाला यहाँ से स्मार्ट मनी एंटर हुई है, मार्केट को ऊपर उठाया उसने, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और उसके बाद मार्केट गिरी है, परफेक्ट कैंपेन है यहाँ पे। आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्विच करोगे ना तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई साइन भी मिल जाएगा। और ये ऐसा क्यों है, हमें H1 में क्यों साइन नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बाइंग जो की गई थी ना, इस कैंडल के ऊपर जो बाइंग की गई थी वो इतना ऊपर लाने के बाद ये प्रॉफिट टेकिंग की गई है। प्रॉफिट टेकिंग करने की वजह से मार्केट फिर ये रेंज में आई है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चलती रही है। और ये देखो सेलिंग खुल रही है, सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट खुल रहे हैं यहाँ पे, राइट। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम सही है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा चार्ट है, अच्छी आपने। और बिल्कुल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि नो डिमांड मार्केट टॉप भी इसको कह सकते हैं कि डिमांड खत्म हो गई थी, और डिमांड कब खत्म होगी, जब प्रॉफिट टेकिंग होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, और यहां से आपको सेलिंग की ट्रेड भी मिल रही है। ये चैनल आपने वाइड क्यों नहीं किया, चैनल को आपने यहां पे लाइन क्यों लगाई है, इसको वाइड करते यहां तक आनी थी ऐसे, ये चैनल इस तरह बन रहा था। एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे, देखो चैनल ब्रेक हुआ है यहाँ पे और चैनल तक ही रिटेस्ट हुआ है और ये बाय की ट्रेड मिली है। नो डिमांड, हाँ जी ओके है, ठीक है।
वाइड स्प्रेड डाउन बार, बिल्कुल ठीक है। नो डिमांडेड मार्केट टॉप, यस वी कैन से, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट की गई नहीं, बिल्कुल एफर्ट की नहीं गई यहाँ पे ना, ऊपर जाने की एफर्ट नहीं की गई है, तो नो डिमांड हम इसे कह सकते हैं। अप थ्रस्ट है, बिल्कुल ठीक है, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। इन सबको मिलाकर कह रहे हो आप ये तीनों को? ये सप्लाई बार है, ठीक है, अगेन यहाँ से मार्केट उठाई गई है और ये सप्लाई हिट है, और सप्लाई क्यों हिट है, ये लेवल की वजह से। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट ये नहीं था। चार्ट आपके माशाल्लाह अच्छे हैं, आप अगली क्लास के अंदर भी अपने चार्ट प्रेजेंट करें, और आज जो जो चीजें आपने गलतियां की हैं वो कोशिश करें कि अगली क्लास के अंदर ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है आपने। बिल्कुल नो डिमांड थी एट मार्केट टॉप, थी टॉप रिवर्सल। टॉप रिवर्सल, टॉप रिवर्सल जी है ये, टॉप रिवर्सल कह सकते हैं हम इसको। थी तो ये प्रॉफिट टेकिंग है एक्चुअली, बट हम कह सकते हैं इसको। अलबत्ता इसे आप बाइंग क्लाइमेक्स कहें तो ज्यादा बेहतर है, बाइंग क्लाइमेक्स के सेंस में ही आएगा। नो डिमांड, शेक आउट, टॉप रिवर्सल, हाँ ये है टॉप रिवर्सल, देखें। बैकग्राउंड और ये देखें, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल, यानी कि जोर लगाया गया है, दैट इज नॉट कॉल्ड रिवर्सल, दैट इज प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है, बहुत अच्छी आपके चार्ट थे ओवेस, और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी ऐसी मेहनत करके प्रेजेंट हों दोबारा से। जो जो गलतियां आपको बताई हैं वो गलतियां कोशिश करें कि रिपीट ना हो। जी रिवाला, राजवीर वाला, आप हो क्लास में राजवीर? ओके, एक सेकेंड में आपका माइक ऑन कर लो। जी सर, जी बॉटम रिवर्सल ए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं ये गलत है, स्टॉपिंग वॉल्यूम, अगली बार का वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो उसको स्टॉप किया जा रहा है। देखो ना, अब ये समझो, कॉमन सी बात है, अब ये समझो कि दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हैं। अब ये वाला जो पहलवान था ये जीत गया, इन केस फर्ज करो कि ये जीत गया। अब इसके जीतने की दो वजहें हो सकती हैं, या तो ये पहलवान बहुत ज्यादा जोर लगाकर टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद जीता है, एक वजह ये हो सकती है कि इसने बहुत ज्यादा जोर लगाया, बहुत अच्छी फाइटिंग की, इसने अपने स्किल्स को यूज किया और फिर ये जीता, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इस वाले पहलवान ने खुद ही हार मान ली हो। अगर ये वाला पहलवान जो है ये खुद ही हार मानेगा
तब भी ये वाला पहलवान जीत सकता है, ठीक है? तो अब इस जी सवाल सर, का जवाब हम तलाश कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब ये है कि ये स्टॉपिंग वॉल्यूम का मतलब क्या है। स्टॉपिंग वॉल्यूम का ये मतलब है कि इस पहलवान ने बहुत ज्यादा कोशिश की है, ठीक है? अब अगर ये जीत रहा है, इन दैट पिक्चर ये जीत रहा है, इट मींस कि इसको इस पहलवान से ज्यादा जोर लगाना चाहिए, इस वाले पहलवान से, रेड वाले पहलवान से ब्लू वाले पहलवान को ज्यादा जोर लगाना चाहिए, देन हम ये कहेंगे कि इसने अपनी ताकत के बलबूते पर जीता है, ठीक है? लेकिन ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रही है, इस वाले पहलवान ने ज्यादा जोर नहीं लगाया। इस चीज से क्या साबित होता है कि ये स्टॉपिंग वॉल्यूम नहीं है, ये जस्ट इसने हार मानी है, इस रेड वाले पहलवान ने हार मान ली यहाँ पे, या ये कमजोर पड़ गया, इस वजह से हमें इसकी विनिंग नजर आ रही है, ठीक है? ये जस्ट मैंने आपको एक अभी अभी ये वारद हुई है ये मिसाल, ठीक है? मैंने कभी भी किसी किसी लेक्चर में इस तरह की मिसाल नहीं दी, आज ही ये नई आई है मार्केट में। सर तो क्लियर हो गया सर। हाँ जी, तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे कोई लेवल था, ठीक है? प्रॉफिट टेकिंग क्यों होती है किसी लेवल्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग लेवल की वजह से, ठीक है? तो जिन जिन दोस्तों के स्टॉपिंग वॉल्यूम या नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट के अंदर ये इशू है, तो ये पहलवान वाला एग्जांपल देख लिया करें, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। एब्जॉर्प्शन बार सही है, एब्जॉर्प्शन वाइड स्प्रेड डॉर्मा भी ठीक है, चार्ट आपके जस्ट एक मिस्टेक है, आपने काम किया है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ी सी ना इम्प्रूवमेंट आपको और करनी चाहिए, थोड़ा सा और काम करना चाहिए अभी। ओके सर, हाँ, और इसके अलावा ज्यादा साइंस ज्यादा देखा करें, ठीक है? जी मतलब सर, इसी चार्ट के अंदर हमें और भी साइंस नजर आ रहे हैं, आपको वो भी मेंशन करने चाहिए थे, राइट? तो बस ये है थोड़ा सा। अब ये देखें, ये एग्जाम्पल देखें, नजर आ गई है, ये देखें, ये दो कैंडल्स देखें, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, इट्स नॉट ये जो था ये एक्यूमुलेशन के सेंस में आता है, ये एक्यूमुलेशन के सेंस में इसलिए आता है कि ये देखो, ये वॉल्यूम यहाँ पे मार्केट को गिराया गया, इंटेंशनली मार्केट गिरी है, यहाँ पे नीचे को लेवल था और यहाँ पे रेंज हुई है, और ये बाउल शेप भी बन रही है, एक्यूमुलेशन की सेंस आ रही है यहाँ पे, फीलिंग आ रही है एक्यूमुलेशन की, ठीक है? बाउल शेप भी यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पर ही इन दो कैंडल्स को देखो, इन दो बार्स को, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर ने भी अपना जोर पूरा लगाया है, ये देखो, ये नजर आ रहा है कि सेलर्स ने भी जोर लगाया है, ठीक है? लेकिन ये बायर्स जो थे ना, इन्होंने ज्यादा जोर लगाया, सो दैट इज द अदर वे, कि ये ब्लू वाला पहलवान जो है ना, अगर ये विन करेगा तो इट मींस कि ये जोर लगाकर विन किया है। अब इसके पीछे अगर ये होती ना, अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है, लाइक दैट, जी सर। ठीक है? अच्छा जी, चार्ट आई थिंक अब और नहीं है, तो कोई भी दो सवाल करना चाहे तो टाइप करके आप सवाल कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि थोड़ा गैप के साथ करेंगे ना, एकदम से थ्रस्ट नहीं करना, तो हम थोड़ा सा टाइम फिर आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन एंड करेंगे। जी मोहम्मद मुजम्मिल, अगर पिंक है तो पिंक का ये मतलब है कि कम ट्रांजैक्शन हुई है। कम ट्रांजैक्शन कब होती है? जब इंटेंशन नहीं होती, उस साइड पे जाने की इंटेंशन नहीं होती, तो ट्रांजैक्शन कम हो जाती है, ठीक है? मतलब प्रॉफिट टेकिंग की सेंस में आप इसे ले सकते हो। हाफिज साहब, एक बंदे का ऑन किया ना तो सभी ऑन कर लेंगे, फिर वो खिचड़ी पक जाएगी, किसी की कोई बात, पिछले सेशंस के अंदर आपको पता है ये सब कुछ होता रहा है, किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती, मैं यही चाहूंगा कि आप टाइपिंग करो तो ज्यादा बेहतर है, वो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से होता है एहतशामुल हक, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से होता है, होता है आप ट्रस्ट ही है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो तो हो सकता है आपको उसको इंक्रीजिंग वॉल्यूम नजर आए वहां पे। अच्छा
अदीना हया, अदीना हया, फिर आप ईमेल गलत टाइप कर रही हो कोई। मेरे पास जो मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले जितने भी साइंस ईमेल्स मिली थी मैंने सब ऐड कर ली है, इसके अलावा और कोई भी ईमेल रिमेनिंग नहीं थी। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मेगा लैपटॉप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, आप रिकॉर्डिंग देखो उसके अंदर डिटेल से बताई गई हैं चीजें। ये तो पूरी पूरा वो है ना लॉजिक्स है, तो ये फिर एक्सप्लेन करूंगा तो दोबारा से नई क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। नो डिमांड है पिछली बार, पीछे वाली बार से ऊपर होती है और एरो नैरो होती है, क्या रेड भी? हाँ हो सकती है, डाउन बार भी हो सकती है मोहम्मद बिलाल, ठीक है, डाउन बार भी हो सकती है, अप बार भी हो सकती है। इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना आए कि ये अप बार है ये डाउन बार है, लॉजिक कंप्लीट होनी चाहिए। अदीना हया, मैंने तो किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ ना, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है किसी को ब्लॉक करने की। जब मैं सबके चार्ट लेता हूं तो आपके चार्ट भी जरूर लूंगा, तो अलबत्ता मुझे नहीं मिले तो अब मैं इसके लिए क्या कह सकता हूं। एक तो हम नो डिमांड वगैरह में पिंक वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम पिंक है बट हाई, ये वेरी हाई बैंड पर हो तो हम नो डिमांड को सप्लाई कंसीडर करेंगे। हाँ जी, नो डिमांड को मोहम्मद मुजम्मिल पूछ रहे हैं कि सर एक तो नो डिमांड वगैरह में पिंक वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम पिंक हो बट हाई या वेरी हाई बैंड पे हो तो हम नो डिमांड या नो सप्लाई कंसीडर करेंगे। करेंगे लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे ना तो उसमें आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। एहतिशामुल हक, सर अगर एच वन में वाइड स्प्रेड डाउन बार लग जाए तो रिट्रेस का वेट एच वन में ही करेंगे एच वन टाइम फ्रेम में? वो डिपेंड करता है लेवल्स के ऊपर, एच वन में भी कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी कर सकते हैं एहतिशामुल हक, ठीक है, दोनों वेज में हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो लेवल कहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है, तो वो जिस तरफ लेवल मिलेगा, लेवल तक प्राइस रीच कर जाए ना तो फिर आप टाइम फ्रेम स्विच करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में भी आने के बाद आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंट्री अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिल रही है ना तो बिल्कुल आप ले सकते हो, बट लेवल राइट लेवल होना चाहिए। अब्दुल रशीद, वालेकुम सलाम। अब्दुल वहीद, सर मेरा सवाल है जब मैं VSA का चार्ट जूम इन या जूम आउट करता हूं तो नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगा पाता, ये तो MT4 का कोई इशू लग रहा है आपका, ग्रुप में क्वेश्चन करें कोई ना कोई हेल्प कर देगा। वॉइस वेव कैसे यूज करते हैं, अगली क्लास के अंदर बताऊंगा वॉइस वेव का। सर अगर नो डिमांड ब्लू वॉल्यूम के साथ मुझे तो ले सकते हैं सेम लाइक सपोर्ट कोई भी? हाँ बिल्कुल, अप एंड डाउन दोनों पे आ सकती है दानिश, अप एंड डाउन दोनों पे आ सकती है। हाँ जी मोहम्मद बिलाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अयाज 9, नाइस एक्सप्लेनेशन सर एजाज साहब, ठीक है थैंक यू, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। सर मार्केट जब किसी लेवल पे पहुंचती है तो कोई साइन देती है और साइन कंफर्म होता है मार्केट अप या लो चलती जाती है? बाज़ औक़ात मार्केट किसी लेवल पे पहुंच कर रेंज नहीं करती बट 3-4, इस सूरत में पुल बैक का ही वेट करेंगे हाफिज सैफ, पुल बैक का वेट करेंगे। अगर पुल बैक नहीं आ रहा ना तो हम ट्रेड में जबरदस्ती एंटर नहीं होंगे, ठीक है हाफिज साहब। पुल बैक मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। चाहे जैसे कल गोल्ड गिरा, अगर आप ट्रेड नहीं कर सके तो नो प्रॉब्लम है इसमें, ये परेशान बल्कि अच्छी बात है कि वो ट्रेड नहीं कर सके क्योंकि वो कुछ भी हो सकता था। हाँ सेंटीमेंट जो लोग जानते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेड थी कल। नाइस जैसन, ओके मोहम्मद मदनी थैंक यू, मुजम्मिल ठीक है ओके,
थैंक यू मोहम्मद मदनी अब्दुल रशीद, एक दफा लाइव चार्ट पर ऐसा ना लेवल लगा के थोड़ा समझा दें। ओ अब्दुल रशीद, मैं चाहूंगा कि आप खुद लगा के मुझे भेजो, ठीक है? मैं चाहूंगा कि आप खुद लगाओ और भेजो और उनके ऊपर बात करें। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू कॉपी पेस्ट एनी थिंग। इनामुल हक, ओके सर, लेक्चर इज रेडी, अपशेट। थैंक यू इनामुल हक। हाफिज साहब, शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ, सर अगर नो डिमांड नो सप्लाई रेगुलर टेस्ट में पिंक वॉल्यूम हो तो नेक्स्ट बार का वॉल्यूम पिंक। हाँ ये बेहतर है, बिल्कुल, ये अच्छा सवाल किया है मोहम्मद आसिफ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर नो डिमांड और नो सप्लाई आ जाए ना, तो उससे अगला वॉल्यूम पिंक ना हो तो ये बेहतर है। अच्छी बात है कि ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए आपकी डायरेक्शन के अंदर, तो फिर वो कन्फर्म हो जाती है। यानी कि एक तो कन्फर्मेशन हमें मिल जाती है कि जी नो सप्लाई आई थी और उसकी अगली बार अप क्लोज है, एक तो ये कंफर्मेशन है। लेकिन अब उस अगली बार के अंदर वॉल्यूम इंक्रीजिंग आ गया ना, तो ये एडिशनल एक और कंफर्मेशन है, ठीक है? हाफिज मोहम्मद मसूद, माशाल्लाह जबरदस्त, शुक्रिया हाफिज साहब। जकिया अजीज, कैन आई हैव स्लाइड्स ऑफ योर सेशन अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स? यस, इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच। जकिया अजीज, अच्छा जी। मोहम्मद बिलाल, थैंक यू। माजिद लगारी, थैंक यू। अब्दुल रशीद, जूम यूजर, मेगा लैपटॉप, थैंक यू। मोहम्मद मुजम्मिल, थैंक यू। अच्छा दीना हया, FTI.designers, हाँ ईमेल तो ठीक है, ईमेल यही है, इसी ईमेल पे चार्ट रिसीव होते हैं आपको। जब आप चार्ट भेजते हो ना, तो उसके उसमें कोई एरर भी फिर आया होगा, कोई ना कोई एरर आया होगा। ठीक है जी। मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद उमैर, थैंक यू। मोहम्मद बिलाल, अपना अकाउंट चेंज करें। हाँ जी, ये आप चेंज करके भी देख सकते हो, बट मैं फिर भी चेक कर लूँगा। आप मुझे प्राइवेट में ज़रा मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम और रेफरेंस के साथ में, तो मैं देख लूँगा कि ईमेल में क्या मसला आ रहा है। जकिया अजीज़, ठीक है। नो जकिया अजीज़, PDF इज़ नॉट अवेलेबल। हाफिज साहब का एक क्वेश्चन आया था, वो कहाँ चला गया? हाफिज सैफ, सर अब थ्रस्ट को जब नेक्स्ट पार कन्फर्म करती है उस वक्त SL बड़ा हो जाता है, क्या अप थ्रस्ट के लो के ब्रेक पर भी ट्रेड ले सकते हैं? हाँ, पेंडिंग आप सेल लगा दिया करो, पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा दिया करो। उससे क्या होता है कि अगर मार्केट वाकई में बेयरिश थी तो आपका सेल ऑर्डर लेती भी जाएगी, अगर बेयरिश नहीं है तो वो सेल ऑर्डर आपका फिल ही नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू तमाम दोस्तों के लिए, जो जो दोस्त आए उन्होंने क्वेश्चन की। उम्मीद है कि आप आज के लेक्चर में काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।